हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ई पॉइंट में स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में मैं आपको ट्वेल्थ इंग्लिश मार्क के प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं यानी कि इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर से लेकर के ए मैरिज प्रपोजल तक सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन वी पूछे जाएंगे इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें इस वीडियो में, इस में आपको जितने भी ऑप्शंस दिए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये सभी आपको सही हैं यानी कि आपको इसमें गलत आंसर नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रथम प्रोज का प्रथम चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर जिसका राइटर है महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर लिखे हैं तो इसका जो देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या दिया गया है तो प्रथम क्वेश्चन है कि द सेंटेंस द डिस्टिंग से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम ये लाइन कहाँ से लिया गया है चूज द कॉरेक्ट ऑप्शन 2019 में आपको पूछा गया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बिलीव डेट द सिविलेश इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम डॉट डॉट चूज द करेक्ट आंसर ये लाइन कहाँ से लिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर देखिए आपको ये सब लाइन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके चार नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना चार मार्क का दो गो एक्सप्लेन करने वाला ये इसी से दिया जाता है इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लाइन पर आप लोग ध्यान दिया, ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर आपको लाइन पता रहेगा तो फिर आप उसके उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपीरियंस विथ वाज रिटेन बाय किसने लिखा माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूट ये जो है ना आपके महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं और ये जो है ना उसके ऑटो बायोग्राफी है यानी कि उसके आत्मकथा है माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूट का नाम है इन्होंने गांधी जी ने खुद से लिखे थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड फेमस एथिक्स सिविलेशन इज इन डॉट डॉट तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीक नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट व्यूज लार्ज सिटीज एज एजरे एंड यूजलेस एनकम ब्रेंचेस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आवर एंसेस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वे वार सेटिस्फाइड विथ स्मॉल मतलब विलेज कौन अपने छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज नेक्स्ट क्वेश्चन से है डॉट डॉट प्रेफियर्स एस्प्रिटिलिस्टमेंट टू मेटरलिजम तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ तो क्या कहाँ का आधार है ये सिंपल रहना खाना एक थिंकिंग तो कहाँ का ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडियन सिविलेशन यानी कि भारतीय सभ्यता का ही ऐसा सोच है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वे आर रोल्स ऑफ एन सी एन सीनेट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इजिप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोवल नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन तो क्या होगा कौन आध्यात्मिक नेता थे राजनीतिक नेता से अधिक तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ये महात्मा गांधी जी आध्यात्मिक नेता थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू किसे मतलब राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी वैन टू चंपारण इन गांधी जी चंपारण कब आए थे तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1917 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर तो क्या होगा महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड रूल ट्रू डॉट डॉट रूल कौन सा रूल का इंजॉय करता था हमारे पूर्वजों तो क्या होगा होम रूल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन सिविलेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस टू बी मोर मी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रेंडली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ट्रूट एंड नॉन वायलेंस एज द चिप विपन्स अगनेस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से हथियार मतलब नॉन अहिंसा और सच्चाई का हथियार कौन प्रयोग करते थे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा महात्मा गांधी जी जो थे ना वो अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेजों को भगाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिविलेशन इन इंडिया द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इंडियन सिविलेशन एंड कल्चर तो देखिए प्रथम चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं अब दूसरे चैप्टर यानी कि भारत इज माई होम के सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे तो भारत इज माई होम जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखे हैं उसके प्रथम क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्ड एज द गवर्नर ऑफ डॉट डॉट तो कहां गवर्नर अब बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे सेवा दे चुके हैं यहाँ पे कार्य कर चुके हैं राज्यपाल के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाजबोर्न डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अट्ठारह सौ संतानवे ईस्वी में इसका जन्म हुआ था हैदराबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन कितने ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति बने थे भारत के तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उन्नीस सौ सड़सठ में नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज द रूल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राधा कृष्णन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नेशनलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इज माय होम इज रिटेन बाय तो क्या होगा भारत इज माय होम रिटेन इज रिटेन बाय आपको हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिए हमने चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिए हुए हैं अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे ट्वेल्थ इंग्लिश चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है आप जा कर के देखिए क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम में दस क्वेश्चन तो समझिए फिक्स रहता है दस नंबर का पाँच गो जो मिलाने वाला रहता है पाँच दो न दस गो पाँच पाँच नंबर का दो गो मिलाने वाला होता है ना आप उसको जाकर के सबसे पहले इसको कंप्लीट करें नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द आर्थ एज द डॉट डॉट तो कब कब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था शपथ लिया था तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रेसिडेंट्स के रूप में यानी कि राष्ट्रपति के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन कब दिए थे ये स्पीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज ओवर मेड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लीड इन हिम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंटरेड द ऑफिस इन ए स्प्रिट प्रायफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भी डॉक्टर जाकिर हुसैन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ लॉयल्टी टू द कंस क्या है कंस्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया भारत के संविधान के प्रति तो क्या होगा शपथ लिया था वफादारी निभाने का सेवा का तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज बीन कैल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु द पास्ट इन नॉट डेट एंड इट इज ए लाइव एंड डायनेमिक किसने कहा था यह लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंट्रेड द ऑफिस इन ए स्प्रिट ऑफ डॉट डॉट ह्यूमैनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रेयरफुल अब नेक्स्ट चैप्टर है ए पिंच ऑप्शन ऑफ अप। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने दूसरे चैप्टर के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज झट से सब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है ए पिंच ऑप्शन ऑफ अप इज रिटेन बाय किसने लिखा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो मनोहर मालगौन का नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज ए यश स्टोरी कौन सा स्टोरी है तो क्या होगा इसका ए पिंच ऑप्शन आप ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है नानुकाका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी एलवेज टू हीज तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा मदर टंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन काका हैड प्लान टू मीट वाज दूसरा कौन सेकेंड पर्सन था जिससे मिलने का प्लानिंग कर रहा था नानू का, का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द वेलफेयर मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू का, का वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी शॉम क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका टूक आउट हीज चेक के बुक एंड राइट ए चेक के फोर तो क्या हो जाएगा कितने रुपये का चेक दिया था नानू का, का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए थाउजेंड रुपीज एक हज़ार रुपये का वो भी नकली दिया था इतना चलाक था नानू का काका आप अगर ये स्टोरी को नहीं सुने हैं तो जाकर के सुन लीजिएगा बहुत मज़ेदार स्टोरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मनोहर मालगौनकर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतिराम वाज द सन ऑफ रतिराम किसका बेटा था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रतिराम सोहन लाल इसका जो है ना सोहन लाल रतिराम होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका मंगेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट अब डॉट डॉट तो क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको थर्ड क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका वेन टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिक्का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट फॉलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए वेलफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज अनाउंसमेंट शॉक मनोहर मालगौनकर दररेटर तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मदर्स उसके माँ ने कहा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथस तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिनिस्टर मिनिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एज रिगॉ एज टू स्टेप्स हाइजर देन गॉड तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिनिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ए पिंच ऑप्शनऑप तो क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नानुकाका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैड इंस्टेलिंग नानुकाका इन मनो क्या है मालगानकर रूम तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हीज मदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो मैनी डेज लिप्स हैड बीन टेकन बाय मलगनकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बी टू डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो रिटर्नड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपको नानू काका मराठी ड्रेस कोड में गए थे ना नानू काका जी मिनिस्टर से मिलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हा स्पोक अनोदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेक्टिव्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नानू काका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज ए गर्निस येलो स्पोर्ट्स कार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रतिराम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर वाट परपोज हेड नानुका का कम टू दिल्ली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नानु काका रॉट ए चेक फॉर ए डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको थाउजेंड देखिए 2018 में पूछा गया है अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है आई है ड्रीम जिसको लिखे हैं मन मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने इसका प्रथम क्वेश्चन है कि द प्रोज प्रेस डॉट डॉट इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आई क्या है आई हैव ए ड्रीम नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंगड टू कहाँ से बिलोंग करता था मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द यूएसए कि संयुक्त राज्य अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट कौन थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निग्रो थे कौन थे निग्रो थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हो सेड माय चिल्ड्रेन विल नॉट बी जडगेट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बर्ट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर तो किसने कहा था ये लाइन तो ये कहा था आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने कहा था सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल प्राइज फॉर पीस वाज गिवेन टू मार्टिन लूथर किंग इन तो क्या होगा नोबेल प्राइज कब दिया गया था सॉरी थोड़ा सा आपको देखने में प्रफ्रेंस दिखाई नहीं देता होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उन्नीस सौ चौंसठ ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एल के यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डॉट डॉट चिल्ड्रेन तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एल के यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइड डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिकन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज टिंग विथ द हैड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मिशिपी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज इन इंफ्लुंसटेड बाय गांधी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लुथर किंग जूनियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच स्टेट डूज ही वांट टू सी एच ए डेवलप्ड स्टेट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अलबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस इज तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बनक्राफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डॉट डॉट डिस क्रिमिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेसिकल डिस का करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन डॉट डॉट इज नॉट एन एंड बट ए वेगिंज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिक्सटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज नॉट सेटिस्फाइड एंटिल जस्टिस रोल्स डॉन लाइक वाटर एंड रिथ टेन आर नेस लाइक ए मेक्टिली एस्ट्रीम तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए निग्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस नॉट वॉलन इन द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी डेस्पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बार्क ऑफ जस्टिक्स इज डॉट डॉट देखिए 2018 हजार अठारह में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वन क्राफ्ट अब नेक्स्ट चैप्टर है कि आइडिया डेट हैव हेल्प मन काइंड जिसको बर्ट्रेन रसेल जी ने लिखे हैं तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि द टाइमिंग्स ऑफ डॉट डॉट एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लान्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस इसमें सही ऑप्शन चूज करना है तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी डोमेस्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गॉट नॉबल प्राइज इन लिटरेचर इन नाइनटीन फिफ्टीन किसे दिया गया नोबल प्राइज लिटरेक्चर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में उन्नीस सौ ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बर्ट्रियन रसेल नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन किसने लिखा वाई आई एम ए नॉट क्रिश्चियन तो ये लिखा है आपको बर्ट्रियन रसेल जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियाज That हैव हेल्प मन काइंड इज रिटेन किसने लिखा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बर्ट्रियन uh, रसेल जी ने लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ट्रियन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डॉट डॉट फिलोसफर यानी कि दार्शनिक के साथ साथ वो क्या था दार्शनिक भी था और वह एक हिस्ट्रियन भी था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वाज आल्सो ए कमेंटर ऑन ए लार्ज वैराइटी ऑफ टॉपिक्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा इसका इसका आंसर हो जाएगा आपको बैटरन रसील नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डॉ डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टैके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरन रसेल बिलोंग टू कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ के रहने वाले हैं बटरन रसेल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज ए फिलोसफर हिस्ट्रियंस एंड ए मैथमेटिशियंस कौन थे मैथमेटिशियन और हिस्ट्रियन और फिलासफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैट्रेन रसेल सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूहेन डॉट डॉट वाज ए वेरी रॉरे एस्पेस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए नेक्स्ट क्वेश्चन है होम सपेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैटरियस डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द दाइटर तो इसका क्या होगा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबिन से पैक एन डॉट डॉट टू डेथ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रॉबिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंग्लिश गिव एन एल्डली डॉट डॉट एन ऑल्ड एज पेंशन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज सिविलेशंस टाउट आज टू बी मोर डॉट डॉट टूवर्ड वन अनोदर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रेंडली अब अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट जिसको सिग्गा नोया जी ने लिखे हैं तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है सही बाई पलिटी इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गॉड्स यानी कि कद्दू बी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट गॉड्स मतलब कद्दू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगा नोया इज ए डॉट डॉट राइटर कहाँ का राइटर था तो सिगा नोया इज ए जापानिश जापानस का राइटर था ये लेखक था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से बाई रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते थे से बी बाई तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे से बाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द फाइव इंच गॉड्स इज तो क्या है? मतलब पाँच इंच के कद्दू का दाम कितना था उसका मूल्य कितना था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेन सेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दॉर्टल सॉल्ड द गॉड ऑफ से बाई फॉर डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पचास नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरियो डीलर सॉल्ड द गॉड टू ए वेल्थ वेल्थली कलेक्टर फॉर डॉट डॉट येन्थ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी छ नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज डॉट डॉट तो क्या है तो एक क्या है ए शॉर्ट स्टोरी है ये जो है ना द आर्टिस्ट एक छोटा सा लघु कथा है सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय किसने लिखा तो क्या होगा सिग्गा नैया जी ने लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेई बाई वाज ए डॉट डॉट जपनेस बोय तो क्या होगा कितना साल का था वो बेचारा सेई बाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ईयर यानी कि बारह वर्ष का था वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज़ ए ट्वेल्व ईयर डॉट डॉट बॉय कहाँ का बॉय था कहां का लड़का था वह तो क्या होगा जापान का जापानीज नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डिड से बाई टू गेट रीड ऑफ द अपले सेंट गॉड्स स्मॉल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए टी लिप्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड्स इज ए डॉट डॉट तो क्या है गॉड्स कद्दू एक क्या है तो क्या एक से है एक वेजिटेबल्स ही है ना सब्जी ही है ना अभी इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्या होगा ये गॉड्स क्या है एक वेजिटेबल्स ही है सब्जी भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुई बाइज गॉड्स टू पिसेज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिज फादर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज एस्कॉल्ड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सही बाईस सिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी ये पेंटिंग क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी सही भाई ही पेंट करते थे ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओल्ड ओमेन आस्क्ड डॉट डॉट सन फॉर द गॉड्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया है ए चाइल्ड इज बोर्न जिसको जर्मन ग्रिगियर ने लिखा है ग्रियर ने लिखा है तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि दस ऑफ ए फ्यू ओमेन रेसेड इन वार्निंग वार्निंग कैन नॉट बी हार डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ओवर बी हमिंग ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रियर इज एन डॉट डॉट राइटर कहाँ के राइटर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया Australia के ये राइटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्ड एन मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर क्या होगा यहां पे बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस डूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एन इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय किसने लिखा ए चाइल्ड इज बॉर्न तो क्या होगा ग्रियर जी ने लिखे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए रूपथो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डॉट डॉट ऑमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस ताबोस क्या है इसके आगे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसका जो हाँ इससे आगे हो जाएगा रिटियल्स एंड कस्टम्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा इसका प्रेग्नेंट देखिए थोड़ा सा आपको फ्रेश दिखाई नहीं देता होगा इसके लिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इन बांग्लादेश रूप थोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फेरटिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए ए चाइल्ड इज बॉर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेंट फेंट एंड डॉट डॉट मोरलिटी इन इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए मदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप थोका इज टोल्ड बाय तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विजिट्स मदर्स हाउस एज ए रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए अब नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस जिसको द्रोटी एल सेयर्स जी ने लिखे हैं इसका प्रथम क्वेश्चन है कि द्रोटी एल सेयर्स से डेट से प्रेस इज फ्री प्रेस इज फ्री, फ्री किसने कहा द्रोटी एल सेयर्स ने कहा प्रेस इज फ्री मतलब कहाँ कहां प्रेस जो है ना वो फ्री है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एवरीवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2019 में पूछा गया है फ्री इज द प्रेस इज नेक्स्ट है इज़ इज़ द प्रेस डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनएसए यह क्या है एक एस ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो वाज एन एस एस लिस्ट है? प्ले राइट पोएट तो क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रोटी एल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी डॉट डॉट लिव्स इन ए पार्टिकुलर प्रेक्शन से क्या होगा इसका कि एवरी डॉट डॉट लिव्स इन ए पर पेट्रल प्रक्रिय बैलेंस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि न्यूज पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय किसने लिखा हो फ्री इज द प्रेस तो क्या होगा द्रोटी एल्स सेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंटा ग्वानिज ए द प्रे प्रेस तो देखिए प्रेस जा, जहां पे आए तो आप समझिए कि ये क्या प्रेस चैप्टर से लिया गया है आपको वर्ड भी ध्यान में रखना पड़ेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पॉलिटिशियंस ये इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगलरी फ्री तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटिश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस सेयर सेड द वर्ल्ड राइट ऑन मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कमिशंस ए इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एज्यूम डेट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनी थिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्ट इज ए डेटी इन वॉकेड बाय द डॉट डॉट माई इन द लास्ट तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियोटर्स ऑफ द न्यूज पेपर हैज डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रटी एल इज़ डॉट डॉट तो क्या होगा यह क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एन असिस्ट बी इसका करेक्ट आंसर होगा अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका द अर्थ देखिए अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट उसको भी शेयर कर देंगे बेचारा उस पर भी दया करें और ताकि देखिए अगर आपका दोस्त का भी रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो फिर आपको भी आगे अगर आप जहाँ जाइएगा पढ़ने के लिए वहाँ तो आपको भी ले जाएगा ना इसलिए थोड़ा उसको भी सपोर्ट किया करें देखिए एक लाइक तो बनता ही है ना झट से लाइक करे कमेंट करे और अपने दोस्तों को भी शेयर करे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ प्रथम क्वेश्चन है कि एच ई बेट्स आल्सो वर्कड फॉर टाइम एज ए या एन चूज द करेक्ट ऑप्शंस तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी जर्नलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल डैड द जॉनसन्स हैड वॉज द डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए आर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंज वाज द सन ऑफ डॉट डॉट किसके पुत्र था बेंज बेंज किसका पुत्र था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉनसन का बेटा था बेंजो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्थ इज रिटेन बाय द अर्थ किसने लिखा तो द अर्थ जो लिए लिखा है ना ये आपको लिखा है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी फ्लोरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वाज द रियल ऑन क्या ऑनर ऑफ द लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए सेंडर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉनसन वाज ए पुअर डॉट डॉट कौन था तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फार्मर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैंक विल गिव इंटरेस्टेड ऑन इट एंड देन वन डे वेन यू यानी कि बेंजे यार Uh, आर तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अभी इक्कीस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजो हैड लेफ्ट स्कूल एट डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चौदह ईयर चौदह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर मेनी ईयर बेंज फादर्स हैज बीन ए लॉकल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजॉय पेरेंट्स गैब हिम ए पासबुक व्वेन ही वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्कीस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉनसन वाज इन दोजिशंस ऑफ डॉट डॉट लेंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फॉर एरिया फोर एरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए द अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच ई बेट्स बिलोंग्स टू कहाँ का कहाँ से बिलोंग करता है कहाँ का निवासी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज ए बॉनी ब्रॉन मैर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज नॉट राइट इन हीज हेड देखिए 2020 में पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बेंजो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मैनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट किफ्ट बाय बेंज तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेन और ए डू जॉन हैंक्स्ट क्वेश्चन है की हैड इन हीज पोजिशंस ए प्लाउट ए कार्ट टूल्स एंड ए बॉन ए ब्रॉन मेयर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनजॉय वाज द सन ऑफ किसका पुत्र था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो जॉनसन डी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनजॉय पेरेंट्स आर नॉन एज द डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉनसन अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका और इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है इसलिए आप लोग इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो इंडिया थ्राउट ए ट्रेवल्स आई जिसको पर लैस बक ने लिखा है तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है इसको थोड़ा पढ़िए देखिए आप जो है ना अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है बल्कि आपको मेहनत से पढ़ना है देखिए ये जो है ना ये विषय हार्ड नहीं है बल्कि ये क्या है थोड़ा सा हम जो समझे हुए नहीं इसलिए हमको यह लग रहा है कि आ, मतलब ये हार्ड है लेकिन यह विषय बिल्कुल भी हार्ड नहीं है यह थोड़ा नया है ना इसी वजह से हमको लग रहा है कि हार्ड है बस तो इसका आंसर क्या होगा देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि पर्ल एस बर्क हैड ए या एन डॉट डॉट फैमिली डॉक्टर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया थ्राउट ए ट्रेवल्स आई आ, इज एन इंस्पायरिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एस ये क्या है इंडियन थ्राउट ए ट्रेवल्स आई है, क्या है एक एस ए है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट हैज प्रेसेड इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परल एस बॉक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया थ्राउट ए ट्रेवल्स आई इज रिटेन बाय किसने लिखा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पर्ल एस बक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक इज एन डॉट डॉट राइटर तो कहाँ का राइटर है ये पर्ल एस बक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन राइटर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यू एन ओ इज एमेन ऑफ डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइफ स्पॉन इन इंडिया वाज ओनली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सत्ताईस ईयर्स बी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक विजिट इंडिया टू सी दंग इंटेल कटेल्स एंड डॉट 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 तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काश्मीर वाज इन इनवीडेड बाय डॉट डॉट बरबरियन तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए वाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पर लेक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए सेल्फ लेसनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैड टू टच द वेस्ट वाज तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हुट कम माई बिलीव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस किसने लिखा है माई बिलीव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कम माई बिलीव किसने लिखा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पर्ल एस बक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विड तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी द यंगर ब्रोदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक कैम टू नॉन अबाउट इंडिया थाउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बुद्धिज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्लेड ए विटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ कॉरेन प्रिसनेट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी इंडियन जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रोपेन्सिस्टेड ब्लड बॉथ इन एशिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी नेक्स्ट है नेक्स्ट अब आपका अंतिम चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है फटाफट करते जाएंगे तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कहते लोमॉब वांट्स टू मैरी चूज द करेक्ट ऑप्शंस किससे शादी करना चाहता था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नटालिया से शादी करना चाहता था कौन लोमोव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय किसने लिखा है तो क्या होगा अनटोन चेकअ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप किसी का शादी होगा तो बिना चेक चाक इधर उधर बिना लड़की को देखे हुए थोड़ा करेगा सबसे पहले जाएगा देखेगा उसके बाद ना करेगा तो देखिए कहाँ यहाँ अनटॉन चेकअप यानी यानी कि अनेकों आदमी इसको जांच परख करके उसके बाद शादी करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाज द डॉट डॉट ऑफ चोकबो चुबुकोव इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द डॉट डॉट ऑफ चुबुकोव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द डॉटर ऑफ चुबकोव तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चुबकोव इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नटालिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हीज डॉटर डॉट डॉट हैंड इन मैरिज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटालियाज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के नारायण हैज रिटेन डॉट डॉट तो क्या लिखा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉमोब इज ए निगबोअर ऑफ डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चो सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोमोब इज डॉट डॉट ईयर ओल्ड कितने वर्ष का था लोमोब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी पैंतीस वर्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोन चेखोबिगेन हीज कैरियर बाय क्या है राइटिंग डॉट डॉट तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वाज ए ड्रामाटिस्ट एन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंटोन चेकोव ये रशिया के रहने वाले थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट इज द एरिया क्या है एयर ऑफ द ऑक्स मेडवॉज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए फोर्टी एक्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो वाज द यंगेस्ट एंट ऑफ लोमॉब तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नटाल यस नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर वाज ए कहते हैं कि हु फादर वाज ए जमलाल तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी लोमोब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोमोब बाउट हिज डॉग फ्रॉम मिरनोब फॉर डॉट डॉट रबल्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉग लिप्स ऑफ नटालिया वाज बाउट फॉर डॉट डॉट रूबेल्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एट्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटोन चेकअप बिगेन हीज कैरियर बाय रिटिंग डॉट डॉट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए ड्रामा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चबकोव इज ए a... डॉट तो डॉट देखिए ये अंतिमा क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने प्रोच के जितने भी चैप्टर थे सबके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किए हैं सबके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे बाकी आज भर इतना ही बाकी शो थैंक्स वेरी मच ऑल द बेस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद